उत्तर प्रदेश में फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव में विपक्ष के हाथों मिली हार का दर्द रह रहकर बीजेपी को अब याद आता है। विपक्ष भी उस हार को भुनाने में पीछे नहीं हटता, लेकिन अब बीजेपी कैराना को हार कर अपने जख्मों को हरा नहीं करना चाहती। इसीलिए सीएम योगी से लेकर तमाम नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी ने आज सहारनपुर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। फूलपुर और गोरखपुर के उपचुनाव को हारने के बाद अब कैराना उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अग्नि परीक्षा है। फूलपुर और गोरखपुर में मिली हार के बाद अब बीजेपी कैराना को नहीं हारना चाहती, इसीलिए सीएम योगी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज उन्होंने 3 रैलियों को संबोधित किया। योगी जातीय हिंसा की आग में सुलग रहे सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा के लोग पश्चिमी यूपी के लोगों में अंधविश्वास फैला सकते हैं, लेकिन विकास के कामों को लेकर विश्वास नहीं पैदा कर सकते। पहले यहाँ पलायन होता था, लेकिन अब यहाँ पलायन नहीं, निवेश होगा। योगी ने सहारनपुर में फैली हिंसा को लेकर कहा कि पिछली सरकारों ने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा था, लेकिन बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। जातिवाद, महजब और तुष्टीकरण की राजनीति अब बीजेपी को नहीं रोक सकती है। कैराना में विकास की जीत होगी। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ आने की हिम्मत दिखाई है, अगर अखिलेश के पास दम है तो वो भी यहाँ आकर प्रचार करके दिखाए। मुझे पता है कि वो यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने लोगों को बांटा है, इसीलिए लोग उन्हें नहीं बख्शेंगे। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा सीट पर 28 मई को वोटिंग होगी और मतगणना के लिए 31 मई की तारीख तय की गई है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के फरवरी में निधन के बाद कैराना सीट खाली होने के कारण ये चुनाव कराए जा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।